देखिए आफिज इमरान साहब, बात दरअसल ये है कि आप मुझसे ज्यादा करीब हैं कदाफी स्टेडियम के, आपका आना जाना रहता है। हम बात करें चौधरी जका अशरफ की, हम बात करें नजम अजीज सेठी की, हम बात करें मोहसिन रजा नकवी की। देखिए इन्होंने तो सतही तौर पर चीजों को देखना है, डिसीशन मेकर, लेकिन काम उन लोगों ने कराना है जो सालों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अब ये बात करने लगा हूँ आपसे कि बात दरअसल ये है कि ये क्रिकेट जो है ना वो हमारे खिलाड़ियों की वजह से, और क्रिकेट एक परफॉर्मेंस गेम है, आपकी फॉर्म टेम्परेरी होती है, क्लास परमानेंट होती है। तो आज आप जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया कि आप दौड़ रहे हैं इमाद वसीम के पीछे, आप भाग रहे हैं मोहम्मद आमिर के पीछे, तो क्यों भाग रहे हैं आप? उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनसे कायल हुए हैं ना, अदरवाइज तो आप उनको कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। ये वही इमाद वसीम है ना भाईजान, जिनको हमारे माजी के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने उनके शहर में होते हुए रगड़ा लगा दिया और आपने किस तरह इनका टाइम जाया किया। तो भाई बात दरअसल ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो फनकार हैं, तब तक इनकी रिस्पेक्ट है जब तक इनके हाथ पांव चल रहे हैं। तो इमाद वसीम ने जो रिटायरमेंट का फैसला किया, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। हारिस रऊफ की जहां तक बात है कि कहा गया कि जी उन्होंने गलत किया, देखिए हारिस रऊफ का बहुत सिंपल केस है, आप 40 लाख रुपए उनको महीना दे रहे थे तो आप उनको खेलने के पैसे दे रहे थे ना, आपको पूछने की उनसे जरूरत ही नहीं थी। आप उनको कहते भाई हमने आपको टीम में डाल दिया है और आप जा रहे हैं, लेकिन जब आपने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने मना कर दिया। फिर आपको किसी चीज का गिला नहीं होना चाहिए, आपने उनको ऑप्शन दिया ना, ऑप्शन देने का तो बनता ही नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाब रियाज को एब्सोल्यूट पावर देने जा रहे हैं मोहसिन रजा नकवी, और वहाब रियाज जो है खुद क्रिकेटर रहे हैं और चीजों को समझते हैं, और थोड़ा सा जो है ना वहाब रियाज मौजूदा क्रिकेट के मामलात को देखते हैं और बात सुनते हैं, रबते रखते हैं वो, तो मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है। अदरवाइज फिर मैं दोबारा से आपसे यही कहूंगा कि देखें बात दरअसल हाफिज ये है कि ये क्रिकेट खिलाड़ियों की वजह से है। आपको माजी में जो है वो मिसालें मौजूद हैं, अल्लाह ताला जवारे रहमत में जगह दे, सईद अहमद साहब को, उनके बारे में जिस तरह पीजे मीर साहब ने बताया। बात दरअसल ये है कि जब बदना मर जाता है तो सब उसकी तारीफ ही करते हैं। यार हम जिंदा लोगों को क्यों अंडरस्टैंड नहीं करते, हम जिंदा लोगों को क्यों नहीं मानते? ये खिलाड़ी है, आप उसको बता दें कि यार मैं आपको यहाँ नहीं लेकर जाना चाहता, यहाँ पर आपकी जरूरत नहीं है, मैं आपको इस जगह लेकर जाना चाहता हूँ, मैं आपको इतने मैच खिलाऊंगा, इसमें क्या मसला हो गया? जिस तरह वहाब रियाज ने आकर बताया, मोहम्मद हफीज ने आकर बताया कि जी हमने हारिस रऊफ से बात की थी, तो ये आपको खिलाड़ियों के साथ अपना एक मुकालमा करना चाहिए। मोहसिन रजा नकवी खिलाड़ियों से मिले तो बात दरअसल ये उनको तो अभी नहीं पता ना क्रिकेट का, तो उनके ऊपर आप सारा मलबा डाल दें, लेकिन उनके एक जुमले से मुझे जो है वो थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं है, जो उन्होंने खिलाड़ियों को कहा कि जी मैं अगर कोई मसला हुआ तो मैं पूरी टीम तब्दील कर दूंगा। तो फिर बात दरअसल ये है कि हमने तो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के साथ ही जाना है, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को ही देखना है, तो जो अच्छा खेलेगा हमने उनको मानना है। मोहसिन रजा नकवी ने दूसरी तरफ ये कहा कि भाई बात दरअसल ये है कि हार जाए, दो टीमें मैदान में उतरती हैं, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है, वेल एंड गुड, लेकिन लड़कर हारेंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं लगेगा। भाई दे आर प्रोफेशनल। अब ये जो बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान सुपर लीग के इतने पैसे हैं, आईपीएल के इतने पैसे हैं, यार हम अपनी मार्केट के हवाले से, हम अपने मामलात के हवाले से चीजों को डील कर रहे हैं, तो हमारे क्रिकेट बोर्ड को हमारे मुल्क के हवाले से चीजों को डील करना चाहिए। मोहसिन रजा नकवी साहब आए हैं, अच्छी बात है, पहले वो कह रहे थे कि मैं लोगों को निकाल दूंगा, अब वो कह रहे हैं कि जी मैं देखकर फैसले करूंगा, किसी की नौकरी नहीं जाना चाहिए, मैं भी ये बात मानता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की क्रिकेट है। जैसे मोहसिन रजा नकवी साहब बात कर रहे हैं, क्रिकेट है तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे मजे हैं, नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। याया साहब, ये जो आपने अभी जिक्र मोहम्मद हफीज का कर दिया दरमियान में, आपको लगता है कि जब हफीज का जिक्र आया तो फिर जहन में आता है जी हम एक नए कोचिंग स्टाफ की तरफ बढ़ रहे हैं, हम गैर मुल्कियों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ठीक है हफीज की सोच से इख्तलाफ हो सकता है, उसके काम करने के अंदाज से लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप समझते हैं कि दो सीरीज के ऊपर किसी भी शख्स को कोच बनाकर हटा देना यह मुनासिब है, और आप समझते हैं कि वाकई उनको भी एक मौका जरूर मिलना चाहिए था, या फिर ये ठीक हुआ है? आखिर बात दरअसल ये है कि जब आप शेर की कचार में हाथ डाल देते हैं ना, तो फिर आपको अमल का रद्द अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। हफीज ने बहुत कम वक्त में बहुत सारे मास्क खोल दिए थे, अच्छा तो ये तो मुमकिन था, और जब हेड बदला तो फिर मामला बदले, और अब भी मैं इस बात पर कायल हूँ कि मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा कि न्यूजीलैंड की सीरीज में आपको जल्दी नहीं करना चाहिए, और न्यूजीलैंड की सीरीज में भले से आप टेम्प्रेरी तौर पर किसी की खिदमत हासिल कर लें, आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, आपको इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई वहाब रियाज ही इस वक्त टीम के मामलात को देख रहे हैं, सारी चीजें तो वो कर रहा है, कोचिंग भी कर रहा है वो। तो बात दरअसल ये हफीज की, जहां तक आपने बात की तो हफीज का एक मसला है ये बड़ा जुमला है, सारी चीजें तो कर रहे हैं, कोचिंग भी कर ले। हफीज हर चीज जो है ना
ये या दूसरा मिसबा है, हफीज का मसला ये है कि हफीज जो है ना नहीं नहीं नहीं, हफीज का मसला ये है कि हफीज खरा आदमी है। अब हफीज को थोड़ा सा जो है ना दुनियादारी को भी मद्देनजर रखना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हफीज ने ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश की, चीजों को ठीक करने की कोशिश की। दो टेस्ट मैचों में मेलबर्न में और सिडनी में हम जीत के बहुत करीब आकर निकल गए। न्यूजीलैंड में तो खैर परफॉर्मेंस को आप छोड़ ही दें, लेकिन अगर हम जीत जाते तो फिर आप क्या करते बात। तो हफीज ने चीजों को तब्दील करने की कोशिश की थी लेकिन उनको वक्त नहीं मिला। लेकिन अगर हफीज आए तो हफीज को भी अपनी बहुत सारी चीजों को जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ अगर उनको मौका मिलेगा तो एक अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है वो माहौल बन सकता है। ठीक है, ये जो हफीज वाला मामला है पीजे साहब, आपके ख्याल में वाकई दो सीरीज, मतलब आप एक शख्स को डायरेक्टर क्रिकेट लगाते हैं और लगा या तो लगाने का फैसला गलत है या फिर हटाने का फैसला गलत है? मुझे उसे समझ नहीं आती, ये पैसे बचाते हैं या पैसे बनाते हैं, क्या करते हैं भाई? आपके इंडिविजुअल जहां आपने पोजीशंस रखनी है आप वो करो ना। आप सारी टोपियां एक को पहना देते हो, जिस तरह मिसबा को पहना दी थी आपने, आपने इसके साथ भी ये काम लेना वो काम लेना। भाई एट द एंड ऑफ द डे आप सेगमेंटाइज करो, हम स्लॉटिंग वाइज नहीं करते। एक ने करना है भाई, इसी ने करना है, क्योंकि अच्छा पीजे साहब एक बड़ा अहम मामला आ गया, वक्फा लेना पड़ेगा। ओके लेते हैं, इकराम और गुफ्तगु जारी है, वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान में इंटरनेशनल फुटबॉल भी हो रही है उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कहते हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में एक फुटबॉल की इंटरनेशनल एक्टिविटी भी चल रही है। अरफा ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से और उनसे जानते हैं कि इस फुटबॉल मैच के हवाले से क्या तफसीलात हैं और किस तरह के इंतजाम थे, कहीं के कोई मसला तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अरफा जी। अरफा आप सुन रहे हैं? वालेकुम सलाम हाफिज इमरान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। क्या इत्तलात है जी, क्या तफसीलात है मैच जो कि खेला जा रहा है उर्दन और पाकिस्तान के माबैन? देखिए पाकिस्तान के लिए ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले भी हमने राउंड वन तो कई बार खेले लेकिन क्वालिफाई हम लोग राउंड तक नहीं कर पाए। राउंड टू में पहली बार हमने क्वालिफाई किया, फिर सऊदी अरब के साथ मैच हुआ, ताजिकिस्तान के साथ मैच हुआ। अनफॉर्चुनेट था कि ऑब्वियसली देखिए हमारे जो सिस्टम है इस टाइम फुटबॉल का वो स्टेबल नहीं है, उसको बनने की अभी जो जरूरत है उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इस दौरान अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है खिलाड़ियों को और पाकिस्तान की टीम जो है वो एक तजुर्बा उन्हें तो वो मिल रहा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि ये छोटी टीमें नहीं है। सऊदी अरब के साथ खेलना, जिसने वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इवन के जॉर्डन की टीम भी बहुत अच्छी है, 82nd जो है इनकी रैंकिंग है, तो ये तजुर्बा बहुत अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक रियलिटी चेक है PFF के लिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए एक कलेक्टिव एक जो है कि मैकेनिज्म होता है जिससे आपकी कोई भी जो इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती है। अगर पाकिस्तान की फुटबॉल ये जो हमें राउंड टू में हमने क्वालिफाई किया है, अगर इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इसको बस खेल लिया और इससे जो सबक है वो ना सीखा, तो फिर ये मेरे ख्याल से एक ज्यादती होगी। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो हेड कोच है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के, उनकी एक बहुत अच्छी बात लगी तल की, लेकिन एक अच्छी बात उनकी लगी, उन्होंने बार बार ये कहा कि देखिए वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना हमारा हदफ नहीं है, क्योंकि हमने जो रियालिटी है उसको देख कर चलना है, हमने जो अगला हदफ है हमारा एशिया कप में क्वालिफाई करना है, हम लोग वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकते। देखिए यही ग्राउंड रियालिटी है, क्योंकि अगर आप जो डुअल नेशनैलिटी जो रखते हैं खिलाड़ी जिससे आपकी आधी से ज्यादा टीम आपकी बनी है, अगर आप उन पर इनसार कर रहे हो और अपना जो लोकल टैलेंट है उस पर इनसार नहीं कर रहे, तो दैट मींस कि हमारे जो ग्रास रूट है उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये जो अल्फाज हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के बाकी बहुत बिटर हैं, तल्ख हैं, लेकिन इस पर आई होप कि PFF जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है और इवन के हुकूमत पाकिस्तान PSB इस पर जरूर जो है वो निशानी करेंगे, इस पर जरूर देखेंगे। याया साहब आप बताइएगा, जब हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये जो फेडरेशन के मसाइल हैं, पाकिस्तान में दीगर क्रिकेट के तो मसाइल अपनी जगह पर हैं ही हैं, गो के बहुत ज़्यादा खेली जाती है, सबसे ज़्यादा खेली जाती है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा लिखी पढ़ी सुनी देखी जाती है, मसाइल वहाँ पर भी मौजूद हैं। ये जो खेलें हुकूमत के ज़ेरे असर हैं, पाकिस्तान में हॉकी तो नज़र नहीं आती है, लेकिन हॉकी के नाम पर सियासत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज के दिन भी जब हम बैठे हैं तो ये खदशा ज़रूर है कि हो सकता है दो फेडरेशन बन जाएँ पाकिस्तान हॉकी के लिए। देखिए बिल्कुल बाकी बात सही है, एक जी जी या पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी,
अब तक तो हम मुख्तलिफ फेडरेशनों में दो धड़ों की बात करते थे, लेकिन बात दरअसल ये है कि यहाँ पर जो अब हॉकी में ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, मैं आपसे अज़राए तकल्लुम ये बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी संजीदगी के साथ आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हॉकी अब इस नहज के ऊपर आ गई है कि मुझे लगता है कि जिस तरह क्रिकेट बोर्ड की बागडोर मोहसिन रजा नकवी साहब को दी गई है, हॉकी के जो इस वक्त मामला हो गए हैं, अगर कुछ अरसे के लिए मोहसिन रजा नकवी साहब हॉकी फेडरेशन को भी टेक ओवर कर लें तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी, और साल भर वो अपने पास रखें इसको और सिस्टम में लेकर आए, और उसके बाद बाकायदा तौर पर कांग्रेस से नए सदर का इंतखाब हो और फिर हॉकी फेडरेशन के जो मामलात हैं दे दिए जाए। तो इस वक्त तो मुझे फिलहाल एक यही हल नजर आ रहा है, वरना ये फिर रेसलिंग का अखाड़ा बन जाएगा। अब दो फेडरेशन बन गई हैं और हुकूमत वक्त इस तमाम सूरत हाल में क्या करती है, स्पोर्ट्स बोर्ड का जो किरदार है वो क्रिकेट के मामले में क्या रहा था आपको अच्छी तरीके से पता है, तो स्पोर्ट्स बोर्ड का बड़ा ही मायूसकुन किरदार है। ओलंपिक एसोसिएशन की जहां तक आप बात करते हैं, वो बोर्ड उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो अपनी जगह देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हॉकी वैसे ही मजाक बन गई है, हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करते, हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं करते, पहले तो सेक्रेटरी के लिए दीगा मुश्ती चल रही थी, अब प्रेसिडेंट के मामला जो है वो इंतहाई जो है वो पेचीदा हो गए हैं। तो मुझसे अगर आप मांगते हैं मशवरा, तो मेरी नजर में तो इस वक्त जो मोहसिन रजा नकवी से बेहतर कोई हो नहीं सकता, हॉकी फेडरेशन वो लें 6 महीने साल में वो चीजों को ठीक करें और बाकायदा तौर पर जो है इस हवाले से जो है फिर मैकेनिज्म बन जाए। पीजे साहब, ये एक बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स बात कर दी है याह्या साहब ने कि हॉकी भी उनको दे दी जाए।